सुबह का व्यू है, अभी 5 बज रहे हैं। क्या व्यू आ रहा है, ये सामने इंजन जा रहा है, इंजन डालो, ग्रीन 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 ग्रीन, ये डिब्बा 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 डिब्बा, योगेश भाई जाग रहा है, योगेश जय, क्या बात है, मोबाइल बची हो रे, मोबाइल गिर जाएगा। वो घाटी घाटी कितनी बड़ी घाटी है रे, नीचे से भी एक ट्रेन की रास्ता है। ए अपने जुल्फे साइड करना कैमरे में आ रहा था पूरा आनंद लें शिमला का, पहाड़ियों पे बने हुए घर हैं ये, ये देखिए क्या बढ़िया मौसम, बहुत ठंडा है यहाँ का, कोहरा छाया हुआ है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत लंबे लंबे पेड़ है ये। वो रेलवे ट्रैक नीचे है, वहाँ से हम लोग आए हैं, नीचे से नीचे दिख रहा है, बहुत ऊपर ऊपर घर बनाया है, आप लोग देखिए इतने पहाड़ों पे कैसे ईंट और सीमेंट ले गए होंगे बनाने के लिए। भूस्खलन हो रखा है, सुरंग आ गई है, बहुत लंबी सुरंग है, लगभग 1 किलोमीटर की है। अरे कुछ है नहीं बात, पेड़ पौधे तो हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाई, योगेश भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस फोटो खींचने को नहीं मिल रहा है ना। छोटा छोटा कुआं भी है यहाँ पे, ये पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पानी स्टोर होने के लिए ये गड्ढे। ये होटल है शायद, ऊपर बनी हुई है, ये सुरंग आ गई है, एकदम मस्त व्यू है यार। ये पीछे पीछे अपने योगेश भाई कैमरा लगाए हुए हैं, इनका मोबाइल हो सकता है गिर भी सकता है।
ये होटल है, बहुत लग्जरी होटल दिख रहा है। ये सुरंग आने वाली है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं दिख रही है, पर शोर मचाना है। हाँ भाई, सही व्यू आने वाला है और अब आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है। चुप रे, चुप। बहुत बड़ी घाटी है। सब्सक्राइब करवाना है तो सब्सक्राइब कर लो, सब लोग वीडियो में जाके देखने के लिए। मॉर्निंग सनराइज अभी तो नो वेव्स। ट्रेन यात्रा है, इसको टॉय ट्रेन बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे डिब्बे, इसमें टोटल 38 सीट है बैठने के लिए। इस ट्रेन में टॉयलेट की भी सुविधा है। शायद कोई स्टेशन आने वाला है और आपको हम लाइव दिखा रहे हैं स्टेशन। स्टेशन में यहाँ छोटे छोटे, इसको नैरो गेज लाइन बोलते हैं। नितिन भाई गर्दन अंदर करें अपना। गाड़ी रुक चुकी है यहाँ पर। हाँ भाई, हम धर्मपुर हिमाचल प्रदेश
कि ये स्टेशन पे रुक चुके हैं, अभी रुकी है कुछ देर तक। ये छोटे छोटे स्टेशन हैं यहाँ के, हालांकि कोई ख़ास यात्री नहीं होते हैं यहाँ पर। Thank you.